ये रचमणि, तुम लोगों को इसका एहसास तो हो गया होगा कि ओकल्टिज्म क्या है, सॉर्सरी क्या है। जी बाबा, थोड़ा थोड़ा। बाबा, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। जी बाबा, इससे तो उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, बताता हूँ। ओकल्टिज्म या तांत्रिक विद्या ज्ञान की वो शाखा है जिसमें ब्रह्मांड के छिपे हुए पहलुओं, फोर्सेस और मानव व्यक्तित्व यानी ह्यूमन पर्सनालिटी का अध्ययन यानी रिसर्च किया जाता है। इसीलिए ये विज्ञान की दूसरी शाखाओं से अलग है, क्योंकि इसमें साधारण ऑब्जर्वेशन और मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। ओकल्ट ज्ञान का विकास मानव स्पिरिट की छिपी हुई शक्तियों का बाहर आना है। ये अच्छी और बुरी दोनों तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा बाबा, तो ये अच्छी कैसे हो सकती है? देखो मणि, जब ये ओकल्ट अनुभव गुरु का उपहार हो तो ये उपहार साधक की अब तक की अस्पष्ट इंट्यूशंस पर से पर्दा उठाते हैं। ये उपहार उसके पथ की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करते हैं। वे उनके विश्वास और उत्साह को बढ़ाते हैं, जिससे साधक यानी एस्पिरेंट हर स्थिति की प्रगति और नई जरूरतों का मुकाबला हिम्मत से कर सके। ओ बाबा, तो इस ओकल्टिज्म से मास्टर्स एस्पिरेंट्स की मदद करते हैं? हाँ, वे एस्पिरेंट की इनर आय पर से पर्दा हटाते हैं, जिससे वो वास्तव में उस खुदा को देखता है जिसकी खोज व चाह में वह सदियों से भटक रहा है। इस तरह की मदद से गुरु साधक की रीजनरेशन को बढ़ाता है। वाह बाबा, ये तो ओकल्टिज्म का एक नया चैप्टर है। बाबा, जो ओकल्टिज्म योगी वगैरह ओकल्ट पावर से करते हैं वो क्या होता है? मनी, तुम तो हमेशा उत्सुक रहती हो। ठीक है, सुनो, पहले मैं तुम लोगों को सब तरह की पावर्स के बारे में बताता हूँ कि पावर्स भी कई तरह की होती है। एक तो योगियों की ओकल्ट पावर्स और दूसरी डिवाइन पावर्स। डिवाइन पावर्स गॉड ऑलमाइटी की पावर्स होती है, जो हर शक्ति का सोर्स होती है, चाहे वह मिस्टिक हो या दूसरी तंत्र मंत्र ओकल्ट की शक्तियां। कॉन्शियसनेस की पहले तीन प्लेन्स की ओकल्ट पावर्स, जिन्हें मिस्टिक पावर्स कहते हैं, थोड़ी अलग होती है। जैसे दूसरों के मन को पढ़ना, किसी भी किताब के अंश को बिना देखे पढ़ना, अपने को घंटों जिंदा दफन करवाना आदि। इनको स्टेज के कलाकारों या माइंड रीडर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड प्लेन में कोई अपनी इच्छा से अपनी फिजिकल फॉर्म बदल सकता है, जिसे हम अब्दल कहते हैं। ये एक्ट भी मिस्टिक पावर्स का डिस्प्ले है, मगर पावर्स का मिसयूज नहीं है। जी बाबा। दूसरी ओकल्ट पावर्स का स्पिरिचुअलिटी या प्लेन्स की मिस्टिक पावर्स से कोई संबंध नहीं होता। ये सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों तरह की होती है, जिनके अच्छे इस्तेमाल से कोई अपने को प्लेन्स के पथ पर भी रख सकता है तो कोई महायोगी भी बन सकता है। चार जन्मों के बाद वे कॉन्शियसनेस के फिफ्थ प्लेन पर भी पहुंच सकता है। गलत इस्तेमाल से कोई अपने अगले मनुष्य रूप में बहुत ज्यादा तकलीफें भी पा सकता है। बाबा, दोनों तरह की शक्तियों का फर्क कैसे पता चलेगा? एरज, सुपीरियर टाइप्स की शक्तियां तांत्रिक अभ्यासों से पैदा की जाती है, जैसे चिल्ला नशिनी या कुछ मंत्रों का जाप। ये लोग जमीन से ऊपर उठना, जिसे लेविटेशन कहते हैं, उड़ना और हवा में तैरने जैसे चमत्कार करते हैं। जो नहीं है उसे पैदा करना या जो है उसे गायब करना, बिना किसी वस्तु के मिठाई या पैसे पैदा करना या ट्रेन को गायब कर देना, इन सब चीजों को मटीरियलाइजेशन या डीमटीरियलाइजेशन कहते हैं। और बाबा, इन्फीरियर टाइप की ओकल्ट पावर्स? ये शक्तियां पिछले जन्मों के अच्छे संस्कारों से आती है, जैसे क्लेयर ऑडियंस। ये क्लेयर ऑडियंस ऐसी एबिलिटी है जिससे कोई स्पिरिट वर्ल्ड के आउटसाइड सोर्सेस से साउंड या वर्ड्स समझ लेता है। ये वॉइसिस, साउंड्स या म्यूजिक नॉर्मल कानों से सुनाई नहीं देते। ये संदेश वे मेंटली या कानों के अंदर लेते हैं। रियली बाबा? हाँ,
दूसरी होती है क्लेयरवॉयंस। इसमें किसी किसी को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होता है। ये लोग लाइट के फ्लैशेस और कलर बॉल्स देखते हैं। इसका मतलब ये लोग एस्ट्रल वर्ल्ड के लोगों की पूरी इमेज को साफ न देख पाने के बावजूद उनकी ग्लिम्स देखते हैं। इनके अच्छे इस्तेमाल से कोई बिना किसी तांत्रिक अभ्यास के अगले जन्म में सुपीरियर टाइप की ओकल्ट पावर्स पैदा कर लेता है। पर बाबा, बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, फिर उनका क्या होता है? ओकल्ट पावर्स के थोड़े से भी गलत इस्तेमाल की तीव्र प्रतिक्रिया होती है, जो आत्मा के लिए बंधन कारक होती है। कभी कभी ये साधक की प्रगति को भी रोक सकती है। और इसके अलावा, ध्यान से सुनो, साधक के अपने ऊपर भी बहुत भयानक कुछ आ सकता है। और इन ओकल्ट पावर्सों का इस्तेमाल करके वो जिन लोगों की मदद करता है, उन लोगों के ऊपर भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जी बाबा। मोहम्मद छेल, सौराष्ट्र का एक मशहूर जादूगर, इन्हें मजाक की तरह इस्तेमाल करता था, जैसे ट्रेनें रोकना, टिकट पैदा करना वगैरह वगैरह। ओ, कोई भी इन ट्रिक्स को खेल सकता है, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर इनका गलत उपयोग बहुत ही नुकसानदायक है। जी बाबा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ओकल्ट पावर्स का इस्तेमाल केवल आध्यात्मिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ही सीमित रखना चाहिए। इसका कोई भी डाइवर्जन मिसयूज की तरह ही देखा जा सकता है। ये केवल सांसारिक उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए। ओकल्ट पावर्स का सही इस्तेमाल मानव की लालसा तृष्णा की पूर्ति को सुरक्षित करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव मन के शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए। क्यों मनी, कुछ समझ में आया? जी बाबा, अब हर बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई है। गुड मनी। इस यात्रा को पूर्ण करना ही हर एक मानव आत्मा का लक्ष्य है। इस यात्रा के अंत का आगमन होना ही अनंत चेतना के सागर में व्यक्तित्व का डूब जाना होता है। और इस यात्रा के अंत में आत्माओं की स्थिति मैं ईश्वर हूं होती है। और ईश्वर रूप में अनंत शक्ति, ज्ञान और आनंद अनुभव करती है।